स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, इस वीडियो में मैं आपको गायत्री मंत्र की शक्ति से रूबरू कराना चाहती हूँ। इस वीडियो को अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को सादर समर्पित करती हूँ, जिन्होंने अपने जीवन को ही प्रयोगशाला बनाया और गायत्री मंत्र की शक्तियों को उसमें स्वयं अनुभव किया और फिर परिजनों के साथ साझा किया। गीता में भगवान कृष्ण ने अनासक्ति पूर्वक जीवन क्रम चलाने का निर्देश दिया है। उत्साहपूर्वक अपना कर्तव्य करते हुए इस बात के लिए सदा तैयार रहना चाहिए कि इस परिवर्तनशील जगत में कुछ भी अपना नहीं है। संपन्नता अथवा विपन्नता जो भी प्राप्त हो रही है किसी समय भी बदल सकती है। यह अनासक्त भाव मानव जीवन में सुख शांति का बड़ा महत्वपूर्ण विधायक है। संपन्नता की स्थिति में अभिभूत रहना और विपन्नता की स्थिति में दुखी होना दोनों भाव ही जीवन में अशांति के कारण हैं। निरंतर गायत्री मंत्र का जाप अनासक्त भाव से जीवन जीने की प्रेरणा देने में पूर्णतः समर्थ है। आइए गायत्री मंत्र की शक्तियों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। गायत्री मंत्र में कुल 24 अक्षर हैं। ऋषियों ने इन 24 अक्षरों में बीज रूप में विद्यमान उन शक्तियों को पहचाना जिन्हें 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ तथा 24 सिद्धियाँ कहा जाता है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के 24 देवता हैं, उनकी 24 चैतन्य शक्तियां हैं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज हैं। गायत्री मंत्र की उपासना करने से उन 24 शक्तियों का लाभ और सिद्धियां मिलती हैं। गायत्री मंत्र का जाप दिन में 3 बार किया जा सकता है। पहला समय है सूर्य देव के ठीक पहले, जिसे सूर्योदय के बाद तक करना चाहिए। दूसरा समय है दोपहर का और तीसरा समय है सूर्यास्त से ठीक पहले और सूर्यास्त के बाद तक करना चाहिए। मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे शरीर के ये सभी चक्र जागृत होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सी प्रक्रियाएं हैं, ध्यान और आध्यात्मिक प्रक्रियाएं। गायत्री मंत्र के जाप से दुख और दरिद्रता का नाश होता है और संतान की प्राप्ति का प्रसंग भी कई जगह आता है। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए भी गायत्री मंत्र के जप का सक्रिय योगदान बताया गया है। ब्रह्मा विष्णु शिव जी से लेकर आधुनिक काल तक ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं और अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। गायत्री मंत्र की शक्तियों के द्वारा अनेक लाभ मिलते हैं। गायत्री मंत्र केवल व्यक्ति का ही नहीं समष्टि का कल्याण करने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र में एक वचन का प्रयोग नहीं होता, मेरी बुद्धि के स्थान पर हमारी बुद्धि का प्रयोग होता है। गायत्री मंत्र के जप का अनुभव प्राप्त करने के बाद यदि हम उसे दूसरे लोगों को भी इसे करने की प्रेरणा करते हैं तो उससे भी हमें लाभ प्राप्त होता है। यजुर्वेद व सामवेद का भी गायत्री मंत्र प्रमुख मंत्र माना गया है और अन्य सभी वेदों में भी किसी न किसी संदर्भ में गायत्री का बार बार उल्लेख है। त्रेता युग में गायत्री के सिद्ध ऋषि एवं भगवान श्री राम के गुरु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र को सिद्ध किया। उसके बाद इस युग में ऋषि वेदमूर्ति आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री मंत्र व गायत्री साधना, गायत्री यज्ञ को जन जन के लिए सर्व सुलभ कर जाति पाति के भेदभाव को खत्म करने का अद्वितीय कार्य किया जो भूतो न भविष्यते। गायत्री का शाब्दिक अर्थ है गायतम त्रायते, अर्थात गाने वाले का त्राण करने वाली। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में रचा गया है, अत्यंत ही प्रसिद्ध मंत्र है। इसके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र हैं। अथर्ववेद में वेद माता गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। मंत्र है ओम स्तुता मयावरदा वेद माता प्रचोदयंता मैं पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजते ब्रह्म लोकम। मैं इस वरदान देने वाली वेद माता की स्तुति करता हूँ। स्वास्थ्य, दीर्घायु, प्राण विद्या, उत्तम संतान, पालन पोषण, पुण्य और यश, धनोपार्जन विद्या, ब्रह्मा के तेज स्वरूप का ज्ञान व इनका सदुपदेश मुझे देकर हे गुरुजनों आलोकमय ब्रह्मा तक मुझे पहुँचाइए।
प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 बजे तक नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करने से अद्भुत बुद्धि का विकास होता है, विवेक का जागरण होता है, सैकड़ों मनोकामनाएं स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं और साथ ही जापकर्ता को अंत में ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त हो जाता है। संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप बैठकर तब तक करें जब तक कि तारे न दिखाई देने लगें। नियमित गायत्री महामंत्र का जाप 1000 बार करने से मन में उठने वाली हर सकारात्मक इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। शंख स्मृति में स्पष्ट रूप से कहा गया है, गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री पापों का नाश करने वाली है, गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। अन्य मंत्रों को जपने की अपेक्षा गायत्री मंत्र की महिमा कहीं अधिक है। यह समझकर योग्य व्यक्ति के पास से गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर उसके जाप को ही अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक किया हुआ गायत्री मंत्र का 1 बार का जाप 1 दिन के पापों का नाश करता है। 10 मंत्र रात दिन के, 100 मंत्र 1 महीने के, 1000 मंत्र 1 वर्ष के, 1 लाख जप जन्म भर के, 10 लाख जप पूर्व जन्म के और करोड़ों जाप जन्मों के पापों का नाश कर देते हैं। मनुष्य से ही पाप होता है यह समझकर जो व्यक्ति प्रायश्चित स्वरूप गायत्री मंत्र का जाप करता रहता है वह निष्पाप हो जाता है। महान और श्रेष्ठ होने के लिए किसी व्यक्ति को गायत्री मंत्र के जप में प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब अध्यात्म एक मात्र परिकल्पना ही नहीं है, इसे विज्ञान से भी जोड़ा जा रहा है। एम्स की एक रिसर्च में और IIT के एक वैज्ञानिक की कई वर्षों की रिसर्च के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि हर रोज़ कुछ देर गायत्री मंत्र का जाप करके बौद्धिक क्षमता का विकास किया जा सकता है। MRI के द्वारा जांच करने पर यह पाया गया कि दिमाग की शक्ति का विकास गायत्री मंत्र से होता है, अतः विद्यार्थियों को अपने बौद्धिक विकास के लिए गायत्री मंत्र को पढ़ना या लिखना चाहिए। सन 1998 से इस पर एम्स में रिसर्च चल रही थी और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। ब्रेन में GABA नामक एक केमिकल होता है जो ब्रेन ट्रांसमीटर्स के द्वारा श्रावित होता है, जिससे मानसिक सक्रियता बनी रहती है। शोध में यह पाया गया है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से GABA नामक केमिकल भरपूर मात्रा में ब्रेन को सक्रिय बने रहने के लिए निरंतर मिलता रहता है। देश में ही नहीं विदेशों में भी गायत्री मंत्र पर रिसर्च के बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। जर्मनी की हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक गायत्री मंत्र पर रिसर्च कर चुके हैं और गायत्री मंत्र को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र घोषित कर चुके हैं। अमेरिकन साइंटिस्ट डॉक्टर हेवर्ड स्टेनगेरिल ने दुनिया भर के मंत्रों को इकट्ठा कर फिजियोलॉजी लाइब्रेरी में जांच की और गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र घोषित किया। गायत्री मंत्र से प्रति सेकंड 1,10,000 साउंड वेव्स जनरेट होती हैं जो कि हमें सभी सकारात्मक परिणाम देती हैं। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे सशक्त मंत्र साबित हुआ है। गायत्री मंत्र का जाप माला के माध्यम से करने पर व्यक्ति सच में मालामाल हो जाता है। 1-2 नहीं सैकड़ों मनोकामनाएं पूरी करता है यह महामंत्र। इसे जपने वाला कभी भी असफल नहीं होता। जो काम संसार के किसी अन्य मंत्र से नहीं हो सकता वह निश्चित रूप से गायत्री मंत्र के द्वारा संभव है। सुबह के सूर्य को प्रणाम करने से हमेशा करियर में सफलता, सुख समृद्धि एवं आरोग्य मिलता है। एक्टर अक्षय कुमार कहते हैं कि उन्होंने लाइफ में कभी भी सुबह के सूर्य को प्रणाम करना मिस नहीं किया। गायत्री के देवता सविता देवता हैं, प्रातः उदय होने वाले, सायंकाल अस्त होने वाले, प्रकाश और गर्मी देने वाले अग्निपिंड सूर्यदेव ही हैं, सविता ही हैं। सविता की असीम शक्तियों एवं असीम क्षमताओं से आप सब भलीभांति परिचित हैं। इस संसार का सारा क्रियाकलाप उन्हीं के द्वारा संचालित होता है, अतः गायत्री साधना एवं गायत्री जाप से पहले और बाद में हमें सविता देवता की स्तुति नमन वंदन करना कभी नहीं भूलना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि गायत्री मंत्र की शक्तियों से सभी लाभान्वित हो सकें। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।